तो यहाँ करते हैं इसका कोल्ड स्टार्ट। ठंडी बड़ी गाड़ी पूरी भी जैसे जैसे आरपीएम तेज हो गया ऑटोमेटिकली। वैसे देखा जाए तो गाड़ी साफ़ ही है मेरी, बेचारों को सोचेंगे क्या ही साफ़ करें इसको, पर धुलवाएंगे अपन तो। पैसे देने यार सर्विस के, इसका तो मैं पूछूंगा क्या होता अगर मान लो नहीं करते, तो मैं खुद ही कर दूंगा। तो ये बाइक से धुलवाऊंगा उनसे, मैं उस पर पॉलिश वॉलिश नहीं लगवाऊंगा, उन सालों उनकी पॉलिश आई डोंट लाइक, बेकार है वो। एक ही से टाइप भी कर देंगे, एक ही फॉर्म से उस पर कर देंगे, स्केच मार देते हैं। तो चलते हैं गाड़ी की 7th पेड सर्विस, वहीं मिलते हैं सीधा। ऐसा पोस्टर मेरे को भी लगा रहा है मेरे कमरे में यार, कितना सही लगता है ना देखो, मतलब मस्त। Repsol 93। तो ये अपनी गाड़ी लग चुकी है बे में, बढ़िया। ये रहा इसका इंजन ऑयल 1 लीटर प्रो होंडा इतेमित्सु 742 फुली सिंथेटिक जी भाई। हाँ जी, ये है अपना 5,000 किलोमीटर के बाद में स्टॉक एयर फिल्टर की हालत। देख रहे हो विनोद किस कदर मिट्टी जमी हुई है। इस बार इस्तेमाल किया मैंने एयर फिल्टर का, सही बताऊँ तो मज़ा आ गया मज़ा आ गया मुझे। तो भाई ये दो पार्ट जो है अभी गाड़ी के रिकॉल में चेंज होंगे, सेंसर बैक एंगल सेट और रियर स्टॉप सेट ब्रेक का। तो ये वारंटी में नहीं है, ये रिकॉल में है, तो इसका पैसा नहीं लगेगा अपना, फ्री 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 फ्री। मैं गाड़ी सर्विस कराए घर आ गया हूँ, एंड मैंने थोड़ी देर के लिए गाड़ी को आइडल पे ऑन रख रखा है ताकि जो नया इंजन ऑयल है वो थोड़ा सर्कुलेट होके थोड़ा सा गर्म होके यू नो इट कैन यू नो गाड़ी के हिसाब से वो घुल मिल जाए। और मैंने जो है चेन ल्यूब मैंने वहाँ से नहीं करवाता क्योंकि वो है 250 रुपये प्लस GST चार्ज करते हैं चेन ल्यूब के, और मेरा घर जो है सर्विस सेंटर से ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। तो मैंने बोला भैया आप चेन ल्यूब मत करो, चेन ल्यूब मैं घर पे कर लूँगा। तो मैं घर पे ले आऊँ गाड़ी और मैं खुद चेन ल्यूब कर रहा हूँ, मोटोमैक्स का चेन ल्यूब है। सो व्हेनेवर यू डू द चेन ल्यूब ऑलवेज पहले इसको थोड़ा हिला लो ताकि डिपॉजिट्स जो है नीचे जमा होते हैं वो पूरे इसमें जो है मिल जाए, देन बिना गाड़ी को गेम डाले आपको जो है स्प्रे करना है। सो ये सामान की लिस्ट, इंजन ऑयल 2 लीटर, ऑयल फिल्टर, वॉशर ड्रेन, ओ रिंग, इसकी ये फिल्टर, केबल क्लच, चेन ल्यूब नहीं करवाई और पेड सर्विस की कॉस्ट है। सो टोटल पड़ा 1400 रुपये का ऑयल हो गया, ये 150 रुपये का ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, उसके अलावा जो टोटल 1500 रुपये इसके पेड लेबर है। तो मेरा टोटल खर्चा आया हुआ है मेरे पास 3,565 रुपये का 7th पेड सर्विस ऑफ होंडा NCB 350 इन 2024 जनवरी। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत छोटा सा वीडियो बनाया था, तो आप लाइक करना है, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करना है, चैनल को भी। बहुत टाइम से वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, थोड़े से आगे चल रहे हैं ज़िंदगी में और तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है यार, फोकस नहीं हो पा रहा है इस टाइम पर। बाकी फिलहाल आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करना यार, और अभी जल्द से जल्द आपके लिए बहुत सारे नए वीडियोस मैं लाऊंगा, शुरू करूंगा दोबारा से, क्योंकि वापस से ट्रैक और ट्रैक पे आना, चीज़ों को लेकर के कंटेंट बनाना है, आप लोगों के लिए डालना है और आप लोगों को शेयर करना है। आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, और ये था 7th पेड सर्विस HiNet CB 350 का।